अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज कौमी टीम के नए हेड कोच ने पाकिस्तानी टीम के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। स्क्वाड में किन किन खिलाड़ियों को जगह दी गई, इस सब के बारे में मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह करेंगे इसी वीडियो में। नाज़रीन, इससे पहले अगर आप भी मोहम्मद रिजवान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड खबरें आपको आसानी से मिलती रहे। नाज़रीन, न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए कौमी टीम के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। स्क्वाड में 8 बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। इन तब्दीलियों के हवाले से मुकम्मल अपडेट आपको देंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले चलते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए कौमी टीम के 15 रुकनी स्क्वाड की तरफ। तो स्क्वाड में सबसे पहले नंबर पर हैं बाबर आजम, इसके बाद दूसरे नंबर पर हैं सैम अयूब, तीसरे नंबर पर हैं मोहम्मद रिजवान, चौथे नंबर पर हैं उस्मान खान। यहाँ पर पांचवें नंबर की बात की जाए तो इफ्तखार अहमद, छठे नंबर पर शादाब खान है, सातवें नंबर पर इमाद वसीम है, आठवें नंबर पर फखर जमान है, नौवें नंबर पर उसामा मीर। नाज़रीन, दीगर खिलाड़ियों में दसवें नंबर पर मोहम्मद आमिर, ग्यारहवें नंबर पर शाहीन शाहरीदी, बारहवें नंबर पर नसीम शाह, तेरहवें नंबर पर जमान खान, चौदहवें नंबर पर मोहम्मद अली, पंद्रहवें नंबर पर आजम खान को कौमी टीम के 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाकर मोहम्मद रिजवान को नया कप्तान T20 के लिए मुकरर कर दिया गया है। इसके अलावा इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को रिटायरमेंट वापस लेने के बाद कौमी टीम का हिस्सा बनाया गया है, जबकि उस्मान खान और मोहम्मद अली को भी PSL में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर कौमी टीम में शामिल किया गया है। इन कौमी टीम के स्क्वाड से आपके साथ तक मैंने अपनी कीमती राय जरूर फरमाई।